H3N2 ये महामारी जो है इंडिया में फिर से आ गया है। और ऐसे में बता दें कि कोरोना की लक्षणों की तरह यह बीमारी है, जिसको लेकर राजद कार्यालय के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है। और इस नोटिस में लिखा गया है कि जो भी नेतागण या जो भी कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, तमाम लोग जो भी आ रहे हैं वो मास्क लगाकर ही अंदर प्रवेश करेंगे। और राजद कार्यालय के बाहर ये आदेश जो नोटिस है वो चिपकाया गया है। और इसमें इस प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा ये नोटिस चिपकाया गया है। आपको बता दें कि जो राजेश यादव हैं, महामंत्री संगठन कार्यालय प्रभारी हैं, उन्होंने ये चिपकाया है। और 13/3/2023 को ये चिपकाया गया है और राजद कार्यालय के बाहर ये चिपकाया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि H3N2 वायरस जो है, इसको लेकर, इस महामारी को लेकर ये राजद कार्यालय के बाहर जो है नोटिस चिपकाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बाद जो है वो इस महामारी से बचने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके कई लक्षण बताए गए हैं। और इसमें 2 लोगों की अभी तक इंडिया में जान जा चुकी है। आपको बता दें कि पहला कर्नाटक और दूसरा जो है हरियाणा में मौत हुई है 2 दिन पहले ही। इस बीमारी के लक्षण हैं, जो लक्षण बताए गए हैं वो हम आपको बता दें कि इस महामारी के कई तरह के लक्षण हैं। खांसी होना, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द, बुखार, थकान और ठंड लगना, सांस फूलना, दस्त होना, उल्टी होना, यानी कई तरह के इसके लक्षण हैं। और ये तमाम अगर आपके लक्षण आपके शरीर में पाए जाते हैं तो इसको लेकर आप सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी इससे बचने के लिए आप मास्क ज़रूर लगाकर कहीं भी प्रवेश करें। तो ये राजद कार्यालय के बाहर ये नोटिस चिपकाया गया है। और नोटिस चिपकाने के बाद जो है 14 मार्च 2023 से ये वीरचंद पटेल पथ पर स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में जो भी माननीय नेतागण और पदाधिकारी, कर्मचारी, मीडिया बंधु तथा आमजन मास्क लगाकर ही प्रवेश करें, ये चिपकाया गया है नोटिस। और ये प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा नोटिस चिपकाया गया है। तो H3N2 जो वायरस है वह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है ये महामारी। और इसको लेकर 2 लोगों की जाने जा चुकी है, जिसको लेकर बिहार में भी अलर्ट है। और ऐसे में कई अस्पतालों की बात करें तो बेड की भी संख्या बढ़ा दी गई है और वहाँ पर भी इसकी जांच शुरू हो गई है। सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी इसकी जो है जांच शुरू हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजद कार्यालय के, तो राजद कार्यालय के बाहर जो है गेट नंबर पर ये नोटिस चिपकाया गया है। और नोटिस चिपकाने के बाद जो है जो भी नेतागण हैं, मंत्री हैं या जो भी आम जन हैं या मीडिया कर्मी हैं, वो जो भी जाएंगे अंदर वो मास्क लगा के जाएंगे, किस इससे जो है आप बच सकते हैं, इस महामारी से बच सकते हैं मास्क लगाने के बाद। तो इस महामारी से बचने के लिए ये उपाय बताया गया है। और इस राजद कार्यालय के बाहर ये नोटिस चिपकाने के बाद जो है जो भी लोग अंदर जा रहे हैं वो मास्क लगाकर ही जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आदेश के बाद, नोटिस चिपकाने के बाद, यानी H3N2 जो वायरस है इससे बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, ये तमाम लक्षण जो है उससे बचने के लिए मास्क लगाना होगा, ये अनिवार्य हो चुका है। अब फिर से कोरोना के बाद जो है H3N2 जो है ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोगों में कई तरह के इस जो लक्षण पाए जा रहे हैं, इससे लोगों बचने के लिए दवा उपलब्ध है अस्पतालों में और बेड भी उपलब्ध है, और तुरंत उसका इलाज कराएं और निजी कोई भी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहें दस न्यूज़ के लिए, और देखते रहें दस न्यूज़।